हेलो जी। तो आज कमरे के अंदर से ही थोड़ा सा व्लॉग बनेगा और आपको अपनी एक और बाइक से मिलवाते हैं। ये है जी हमारी 2003 मॉडल की पल्सर 180। स्टिकर नहीं लगा रखा है, 180 ही है। थोड़ा एलॉयज वगैरह चेंज हुए हैं, आगे हेडलाइट इसमें लगा ली। मैं पुराने वाली फ़ोटो से कंपेयर कर दूंगा। पहले इसमें आते थे स्पोक वाले, बाकी सिलेंडर किट एक बार चेंज हुई है तो आप देख रहे होंगे नए में जैसी ब्लैक आती थी, नए वाले मॉडल की 180 की वो लगी हुई है। और साइलेंसर ओरिजिनल है, कट गया था, थोड़ा वेल्डिंग करवाई है, टूट गया था क्रैकिंग में। थोड़ा सा काम इस पर भी होना है, कम चल रही है आजकल। वैसे 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर गई थी 2011 में, उसके बाद से मीटर चलता नहीं है आपका। और बैटरी भी वैसे तो किक है इसमें, मगर बैटरी भी डाउन है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है ये ब्रेक की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रेक लगाने के बाद भी बहुत ही पूरा नीचे तक जा रहा है एक तो, और कुछ खास अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ब्रेक पूरा खोलेंगे, असेंबली पूरी निकालेंगे, पूरी साफ़ करेंगे। तो ये खोलते हैं, पूरा पूरी असेंबली ही निकालेंगे, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरी साफ़ होगी और फिर ये वापस अंदर जाएगी। बाकी फिर नॉर्मल सर्विस वगैरह करेंगे। इंजन ऑयल तो नहीं है मेरे पास इसके लिए, अब इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, इतने दिन हो गए लॉकडाउन को। तो बट हाँ, बाकी सारा सर्विस वगैरह करके इसको ब्रेक चालू करके चलाते हैं। तो चलिए जी। और जैसे कि आप जानते होंगे, जो ब्रेक ऑयल होता है बहुत कॉरोसिव होता है, तो इसकी वजह से पुरानी एक पॉलीथीन की शीट रखता हूँ मैं, पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अभी खोलते हैं। सबसे पहले तो ये नीचे के खोल लेंगे, ये 12 नंबर के, फिर ऊपर का ये 8 नंबर का। मगर उसको खोलने से पहले सबसे पहले हम ये वाला नट लूज़ कर लेंगे ताकि ये केबल यहाँ से फ्री हो जाए, क्योंकि ये सारी असेंबली हमें बाहर ही निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले मैं ये खोल के, ये तो आपका नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर ही है, चेक करूँगा अंदर ऑयल की क्या हालत है। चलिए निकाल, ये खुल गया है। और जैसा कि बंदा देख रहे हैं, पूरी गड़बड़ हुई है और इसी वजह से वो ब्लॉक हो रखा है। ये देखिए, ये रबड़ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या स्पेयर है। ये पेच वगैरह इधर रख लेते हैं। अब ये खुल गया, इसको मैं उस कपड़े से पोंछ लूँगा, फिर ये निकाल लूँगा ताकि ऑयल इधर उधर स्पिल ना हो। फिर उसके बाद मैं 8 नंबर के ये खोल के फाइनली 12 नंबर का नीचे का वो। चलिए, तो ये एक ये सिरिंज रखता हूँ मैं, इसमें से मैंने उसमें डाल के ब्रेक ऑयल निकाल लिया। और आप अंदर देख पा रहे होंगे ये कुछ कितना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था। खैर, वो तो ऊपर भी दिख ही रहा है। तो सारे पेच भी लूज़ कर लिए और देखिए अंदर की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है, पूरा साफ़ करना है। ये भी पेच मैंने ढीले कर लिए, ये भी ढीला कर लिया। ये 14 नंबर था, वो 8 नीचे का वो भी निकाल लिए पेच। बस अब इसको धीरे धीरे ये खोल के इस असेंबली को अलग करते हैं। थोड़ा सा ऑयल निकलेगा तो गिरे ना, बस उसके लिए शीट लगा ली, मगर कपड़े से पोंछते रहेंगे साथ के साथ, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं उसको पहले निकाल लेता हूँ। हाँ जी, तो ये ब्रेक नीचे से निकाल लिया है, इसमें कुछ बताने वाली ज़रूरत नहीं थी। मैंने पाइप यहाँ से नहीं खोला क्योंकि इस लाइन में भी ऑयल होगा, तो ये सबसे एंड में करेंगे। और इसको ऐसे बिछा लिया उस साइड से ताकि ज़्यादा गिरे ना, फिर भी 2-4 बूंदें आप देख रहे होंगे उधर उधर गई हैं। बाकी ये लीवर निकाल लिया इस असेंबली को पूरा अलग करके। नॉर्मली आपका यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ होगा, मगर क्योंकि मेरे में नहीं लगा हुआ था तो इस वजह से मैंने दिखाया नहीं, वरना इस पॉइंट पे एक आपका ब्रेक स्विच होता है। अब ये बाहर आ गया आपका, अब इसको पूरा साफ़ करना है। अंदर देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा निकला भी है, कैसा है, ग्लू सा बन गया है। ये हो जाता है, चली नहीं थी बाइक, गलती मेरी है, हो जाता है। अब खैर चलिए आगे का देखते हैं। हाँ, ये बाहर ही आ गया है। तो ये आपका सबसे पहले तो एक आ जाएगा वॉशर बाहर स्विच का, और ये इसके अंदर होता है पंप। अब पंप को निकालने के लिए आपको एक थोड़ा सा प्लास चाहिए होगा, ये ऐसा नो स्पिन कहते हैं इसको। अब आप ध्यान से अगर देख पाएंगे तो नीचे इसमें एक ये इधर दिख रहा है और एक ऐसे उधर है। बस इसको अंदर डाल के दबा के और ऐसे बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ जाएगा तो बस अभी आपका बच गया है पंप। शायद ये चल भी जाए, मगर अभी पॉइंट तो है कि इसको पूरे को साफ़ करना है। तो मैं भी इसको पेट्रोल से सारा सामान एक बार धो लेता हूँ, पंप की हालत बाद में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, नया आपने बस वैसे पढ़ा ही है, ये कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है अगर चेंज भी करना पड़ा तो। ये रबड़ भी, रबड़ में ये ध्यान देना पड़ता है कि साइड से कटी हुई ना हो, कटी हुई नहीं लग रही है तो मेरे ख्याल से ये भी चल जाएगी। ना पड़ी है नहीं, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी तो पहले कैप की बुरी हालत है। कोई नहीं, अभी तो बस इसी को पहले पेट्रोल से अच्छे से धो लेते हैं,
और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बस जी यहाँ पे आ गए हैं। अभी थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसको ब्रश से बाहर निकाल लेंगे। देखिए काफ़ी साफ हो गया। फूक मार के देख लिए, ये चैनल खुले होने चाहिए, एक ऊपर और एक के नीचे, ये भी खुल गए। बस अभी साफ़ है, बस इसको सुखाते हैं और जोड़ते हैं वापस। चलिए जी धुल गया है, देख रहे होंगे आप पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ है। अब अगली चीज़ के लिए ये एक मैंने पुरानी तार ढूंढ ली है, इसमें से एक तार बस मैं निकाल लूँगा फ़िलहाल के लिए। और अंदर आपको अगर दिख रहा होगा तो एक तो ये मोटे वाला है और एक ऐसे इसके नीचे एक पतला सा छेद होगा, इसमें से हमें बस इसको निकाल के देखना है कि ये आसानी से अंदर आ रहा है या जा रहा है। ये देखिए ये अंदर गया, यानी कि ये भी साफ़ है। बाकी हम इसमें इस साइड से ऐसे उंगली से रोक के और इस साइड से फूंक मार के देख लेंगे दोनों में से हवा आ रही है। दोनों में से बिल्कुल बढ़िया हवा आ रही है, ये सूख चुका है और अब इसमें लगने के लिए तैयार है। ये हमारा था पुराना पंप, ये भी मैंने धो लिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ये रबड़ होती है और यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, तो नया हमारे पास पड़ा ही है तो क्यों ना नया ही लगा लें। 170 का जैसा बता रहा था आता है, और अंदर से आपको एक तो ये मिलेगा, ये है, और एक आपका ये पंप आएगा। थोड़ा सा ग्रीस और एक ये। अब अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, यानी कि ये इस बाइक का नहीं है, ये किसी और बाइक का है, मगर पंप सेम लग रहा है, तो एक बार लगा के देखते हैं। ये पार्ट NS का और RC वगैरह का होगा, हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो एक तो लंबा भी बहुत है और थोड़ा सा विड्थ में भी मोटा है और लंबा भी, देखिए। कोई नहीं, हो जाता है। अभी के लिए फिर इसी को वापस डालते हैं, साफ़ तो कर ही लिया था, वापस डालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सुखा लेते हैं। चलिए बस इसे तो ये मास्टर सिलेंडर पे काम कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे पैड भी बिल्कुल आगे वाले ख़त्म ही थे, इसको बस दबाना है यहाँ से थोड़ा सा ताकि जगह अपने अंदर वापस जा सकें। अगर नहीं जा रहे तो यानी कि मामला कैलिपर का भी काफ़ी ख़राब है और ये नहीं जा रहे हैं, यही दिक्कत है। फिर एक ये पिन निकाल लिए और ये आपके पैड बाहर आ गए। चलिए पहले तो इसको खोल लेते हैं, पैड तो चेंज होंगे। इसमें से ऑयल बाहर आ सकता है, नहीं आया। अब आ रहा है थोड़ा सा। चलिए इसको ऐसे रखते हैं, वायर में देखते हैं। हाँ इसमें से आ रहा है थोड़ा। ये देखिए इसमें से भी आ रहा है, बस खाली हो गई है वायर। अब ये ध्यान रखिएगा निकालते हुए, ऊपर वॉशर होगा एक और ऐसे ही नीचे भी वॉशर होगा, ऐसे ही इसमें भी। ये भी धोएंगे अब, उसको भी अंदर डालते हैं। ये बहुत ही बुरे तरीके से सीज़ हो रखे अपनी जगह पे, तो ये WD-40 आता है एक, ये डाल के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ बस इसको स्प्रे करके।
शायद रस्टिंग की वजह से, क्योंकि इतने टाइम बाइक चली नहीं तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर में हो जाना चाहिए। चलिए इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं अब। हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा वो ही डाल दिया था WD-40, और थोड़े से अंदर गए हैं अभी दबाने से, और ये तब तक मैंने बाकी सारी चीज़ें धो ली थी। रबड़ मेरे ख्याल से यही काम आ जाएगी, सही लग रही है। और बाकी मेरे पास वैसे यामा की पड़ी हुई थी, तो ज़रूरत पड़ती तो ये चल जाती। यामा की कितने की है, 80 रुपये की है जो भी है। और ये पेज जो ख़राब हो गया था, वो सब सामान इधर सारा बाकी सब साफ़ कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे, मगर वो डालने से पहले मैंने एक तो इसका ब्लीड निपल खोल लिया है। ये मेरा 11 नंबर का था, आपका पता नहीं, शायद अलग नंबर का हो सकता है क्योंकि मैंने बाद में लगवाया था, तो हो सकता है आपका 8 नंबर का हो, 10 नंबर का हो। मेरा ये 11 नंबर का डला हुआ था, इसे भी साफ़ करना है। और साथ में ये जो ब्रैकेट होती है आपकी, ये भी ऐसे बाहर आ जाएगी, ये लगा गई है। ये जो रबड़ होती है, इसे भी प्यार से खींचेगा, क्योंकि पक्का नहीं पता दोबारा मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि ये रबड़ भी साफ़ हो जाएगी। और ऐसे ही इस साइड से रबड़ निकल के ये सारा साफ़ होना है। अब इसमें थोड़ी देर और मैं डाल के छोड़ूंगा WD-40, थोड़ा सा अंदर गया क्योंकि, तो थोड़ी देर और छोड़ते हैं, थोड़ा हो जाएगा। बाकी तब तक ये ब्लीड निपल वगैरह साफ कर लेते हैं। एक पिन थी मेरे पास, तो देख रहे हैं आप अंदर से कूड़ा निकल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादती करी है मैंने बाइक के साथ। एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग वगैरह सब साफ़ करके देखेंगे भैया क्या क्या गड़बड़ हो रखी है, अब टाइम है तो। हाँ, ये भी अच्छे से साफ़ होगा। चलिए चलिए जी, साफ़ करते हैं ये सब भी। ये ब्रैकेट भी पूरी साफ़ होगी, ये ग्रीस होके वापस अंदर जाएगा। ये रबड़ इसमें आती कैसे लगाते हो बाद में बताएंगे, ये कि मेटल ब्रैकेट है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे बीच में इधर एक मेटल ब्रैकेट रेस्ट करती है, वो होती है ये बाद में अंदर छुपी रह गई थी, गंदी इतनी हो रही थी, अभी धो के लाया हूँ। तो चलिए बाकी धो के लाते फिर आगे दबाते, क्या पता दब जाए। हाँ जी, तो सारा सामान धुल गया है, लगा लिया है, ये पूरा साफ़ जितना हो सकता था, मतलब इतना ज़्यादा चमकाने की ज़रूरत भी नहीं है जितना ही हुआ मेरे से। तो बस अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। हाँ, ये WD-40 डालने के बाद अंदर दब गए थे, मैंने बाहर इसलिए नहीं निकाले क्योंकि इसके अंदर एक ओरिंग होती है, वो ओरिंग मेरे पास है नहीं, अगर वो निकालते हुए ख़राब हो गई तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये पूरी असेंबली ख़राब हो जाएगी। बस 2-3 बार ये चलेगी, थोड़ा सा WD-40 डाल दिया है, साफ़ कर दिया है अंदर से भी WD-40 डाल के, और अभी चल जाना चाहिए, चल जाएगा, बल्कि चल जाना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो इसकी अब असेंबली के लिए ये शुरू करते हैं। तो एक रबड़ निकाली थी, ये भी धो लिए। ये रबड़ डालने के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और ये इधर से दबा के और घुमा के उस साइड आ जाएगी आसानी से। ये रबड़ आ गई है, एक ही रबड़ आपकी इस साइड थी, ये आ गई है, और ये आपका जो क्लैम्प था, सॉरी, ये वाला जो आपका क्लैम्प था, ये आपका इस पे आ जाएगा, और इसको मैं अभी के लिए बस ये जो नट है भी पूरा साफ़ कर लिया। देखिए, आर पार छेद दिखने लग गए इधर से, जो ब्लीड वॉल्व होता है जो मैं बता रहा था, मेरा 11 नंबर का एक टाइम पे मैंने चेंज करके लगाया था, तो ये भी टाइट कर लेते हैं। और ब्रेक पैड की जहाँ तक बात है, ये ब्रेक पैड है मेरे पास, ये मैंने निकाले थे हिमालयन से, क्योंकि हिमालयन में मैंने डाले थे यामाहा FZ के, ज़्यादा ख़राब नहीं है। बाकी मेरे पास ये ब्रेम्बो का आपको मार्क दिख रहा होगा, ये जो दिया हुआ है, ये ब्रेम्बो बढ़िया कंपनी लगी है मेरे को, वाइब्रे के आते हैं बेसिकली, जो आप जो मर्जी होंगे। ये जो बजाज के आते हैं, ये भी रखे हैं मेरे पास, ये किसी ETS कंपनी के आते हैं, कॉस्ट है 154, ये है वो ETS, तो ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है वैसे तो, मगर ये मैं अभी डाल ले रहा हूँ, स्पेयर पड़े रहेंगे। और मगर अगर आप अच्छे वाले यूज़ करना चाहते हैं, टॉप नॉच, तो वो हैं आपके यामा के जो आते हैं V3 में, V2 में नहीं, V3 में,
बी थ्री में आपके अगेन वही ए जे एफ करके आते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी पक्का नहीं पता मुझे, मगर शायद ये भी ब्रेम्बो बायब्रे ही बनाती है। ये अलग क्वालिटी के हैं, अगर यूज़ करना चाहते ये भी सेम साइज़ के, बस वैसे बता रहा हूँ कि हाँ एक ही हो तो अलग अलग बाइक में यूज़ हो सकते हैं। खैर कोई नहीं, अभी के लिए जो हिमालयन से मैंने निकाले थे, हिमालयन में मैंने यहाँ आके डाले थे चेक करने के लिए कि कैसी ग्रिपिंग है, बेटर थी, मगर अभी के लिए मैं बस इसमें यही डालूँगा। अब ये वाली जो आम दिख रही है, और ऐसे इस पर जो ये वाली आम दिख रही है, इस पर आपका ये सारा मूव होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये ग्रीस का डब्बा साइड में ही रखा हुआ है, इस पर ज़्यादा नहीं हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे। मेंटेनेंस के लिए कॉमन चीज़ है ये, मतलब आप अपना यामाहा वगैरह में, एनफील्ड में, किसी भी बाइक में जब भी आप खोलें, इस चीज़ को आराम से थोड़ा सा ग्रीस करके, और ऐसे ही इसमें ये वाला भी मेंटेनेंस के लिए, ताकि सारी चीज़ें फ्री से मूव होती रहें, ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ही होगा वरना। तो ये जो क्लिप था ये यहाँ पे बैठ जाएगा, ये इसमें ऐसे आ जाएगा, क्लिप्स वगैरह निकलते रहते हैं, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और ये इसमें ऐसे चला जाएगा, वो चला गया, ये असेंबली कंप्लीट होने लग गई है, और फाइनली आपके डिस्क पैड आराम से जाके अंदर इसमें बैठ जाएंगे, बैठ गए। अब आ जाएगी आपकी ये पिन, पिन निकल गई है, और एंड में इसका जो क्वार्टर पिन होता है, क्वार्टर पिन भी चली गई है। आपका ब्रेक अभी के लिए कंप्लीट है, अब शराफत से इसको साथ के साथ ही बाइक पे लगा देते हैं। तो सटका रहा हूँ अभी, अपनी अपनी जगह पे चीज़ें टाइट नहीं करूँगा, पूरा टाइट तो होता रहेगा। तो ये आपका हो गया, नेक्स्ट चलिए मास्टर सिलेंडर तो ऊपर ही बंद कर लेंगे सीधा, ये तो बंद मैंने कर ही लिया था, कैप वगैरह बाद में डलेगी, तो चलिए ऊपर का देखते हैं। अच्छा, मास्टर सिलेंडर के लिए सब तुमने बिठा ही लिया था, चेक कर ही लिया था, सब सही है। अभी ब्रेक का हमारा लीवर ऊपर डालने से पहले थोड़ा सा बिठा लेंगे। इसमें याद रखिएगा, एक तो ये जाएगा यहाँ पे ऐसे, ऊपर से ऐसा एक पेच होगा, हाँ ये थोड़ा आप जाने लग गया है, बस इसको थोड़ा सा हाथ से टाइट कर लेते हैं, और जब हाथ से टाइट हो जाके पूरा नीचे से निकल जाएगा, तब नीचे जाके इसमें एक 10 नंबर का नट और लगता है, बस ये मैं बता रहा था, पहले ही इसको लगा ही लेते हैं। चलिए, पेचकस नहीं उठाया बस मैंने, तो ये मास्टर सेंटर ऊपर लगा के नीचे से ये भी लगा लिया है, और ये सही काम कर रहा है। चलिए इसको ऊपर लगा लेते हैं। ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले तो ये 8 mm की ये चाहिए, ये वैक्यूम मिरर की असेंबली जिसमें ऊपर एक क्लैंप दिया होता है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस लगा रहा हूँ। हाँ जी, तो ऊपर आपका ये लग गया है, टाइट नहीं करा है, बस थोड़ा सा अटका लिया है, नीचे आपका कैलिपर लग गया, ऊपर मास्टर सिलेंडर, बस अभी वायर निकालनी है यहाँ से, निकाल के ये वॉशर वगैरह लगा के, और फिर ब्लीडिंग करते हैं। हाँ जी, तो सारी असेंबली कंप्लीट हो गई है, पॉलीथीन मैंने वापस लगा लिया है, नीचे आप देख रहे होंगे टल गया है, वो ब्लीडर वॉल्व खोल दिए, इंजेक्शन रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, अब ऊपर बस ऑयल डालना है और पम्प करना है ताकि ऑयल नीचे जा सके। ये बजाज का ही पड़ा है, .4। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डालते हैं। और ब्रेक आराम आराम से दबाइएगा, वरना वॉल से
उछल के ऊपर भी आ सकता है। देखिए अभी जैसे बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहा है ब्रेक अभी भी। इसके लिए अब हम नीचे से ये मैं हटा ही लेता हूँ, देखें वरना नीचे एक चद्दर डाल ही रखी है। अब हम यहाँ से नीचे से वॉल थोड़ा सा खोल लेंगे और अब रेत दबाएंगे ताकि पूरी पाइपलाइन भी पूरी साफ करी थी। देखिए वॉल्यूम नीचे जा रहा है, कम हो रहा है लेवल इसमें। ये तो हो गया लंबा तरीका, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो थोड़ा सा और डालते हैं क्योंकि बेसिकली हमने पूरी असेंबली खाली कर रखी है ना। नीचे कैलिपर में ऑयल है ना ब्रेक लाइन में ऑयल है। हाँ जी, तो ये सेटअप तैयार कराया थोड़ा सा, बाकी बस ब्लीड करने का, ऊपर से भरी दिया था। नीचे एक ट्रांसपेरेंट पाइप लेके लगा दी है, देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल आ रखा है, ये कपड़ा हाँ ऑयल आ रखा है। नीचे कंटेनर डाल लिया क्योंकि क्लीन ऑयल निकलेगा तो इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पाइप भरनी है पूरी, ये गिरने के चांसेस हैं थोड़ा, तो हम क्या करेंगे इसको खोल लेंगे। ये 11 नंबर का पाना था, अब दोनों हाथ चाहिए होते हैं ऐसे कामों में, बट चलिए ये खोलिए। और अब ऊपर से जब ब्रेक दबाएंगे तो देखिए ऊपर से लेवल कम होता रहेगा। और अब ऊपर से मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, नीचे देखेंगे तो देखिए बबल्स आ रहे हैं, बस ये ब्लीडिंग हो रही है हमारी। ऊपर से ख़त्म नहीं होने देना है, मगर जब दबा रहे हैं आप लेवल तक रहना चाहिए, फिर दोबारा भर देंगे। बबल्स आ रहे हैं, अब ब्रेक को ऊपर से दबाए रखा है और अब इसको टाइट कर देंगे। ब्रेक रिलीज़ कर दिया है, अब ब्रेक दबा रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक टाइट लग रहा है, मगर ऊपर लेवल कम हो गया तो ऊपर भर देते हैं। उसके लिए वही है, ये थोड़ा सा गिरे ना, पाइप नहीं गिर रहा, वैक्यूम अच्छा बना हुआ है। इसको वापस डाल देते हैं इसमें, और वही चीज़ दोबारा से रिपीट करेंगे। नहीं निकला ऑयल, इसको वापस डाल दिया। अब फिर इसको खोलेंगे, और फिर ब्रेक दबाएंगे ऊपर से, फिर ऑयल लेवल कम हो रहा है। बबल्स आ रहे हैं, हाँ बबल्स आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये बबल्स निकालने, यही बस ब्लीडिंग का काम है। 3-4 बार प्रोसेस करेंगे। अब ब्रेक लीवर भी थोड़ा टाइट लग रहा है, बस ऊपर से खाली मत होने दीजिएगा इसे, जैसे ही खाली हो जाए दिख रहा होगा आपको। तो अब इसको दोबारा से आप समझ गए शायद, मेरे को पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं बंद कर रहा हूँ। और अब मैं वापस इसमें डालूंगा, 2-3 बार रिपीट करूंगा, पूरा नहीं दिखाता, जब फाइनल होने लग जाएगा तब रिकॉर्ड करूंगा। तो नीचे से बंद कर लिया है, ऊपर ऑयल डाल लिया था, और अब देखिए जब मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ऑयल ऊपर की तरफ पंप होगा, देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा तेज़ दबाऊंगा तो पूरा ऊपर तक छीट जाएगी, देखिए कैसे ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारा सिस्टम ब्लीड हो गया है, मतलब ब्लीड नहीं हुआ है, अंदर लाइन में पूरे में ऑयल जा चुका है। और देखिए ब्रेक अब दबाने पर भी पूरा पीछे तक नहीं जा रहा है। बस अब यही चीज़ 3-4 बार और करनी है, मगर अब ब्लीडिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 3-4 बार ऐसे से पंप करेंगे आराम आराम से, आराम आराम से, ताकि ऑयल इधर उधर ना जाए। और अब इसको यहीं पे पकड़े पकड़े थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट करे हुए लीवर फिर से घुमा देंगे और देखते हैं कितने बबल्स आते हैं। देखिए बिल्कुल बबल्स, ओहो आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े बबल्स अभी भी आ रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप शायद, ही देखिए ये बबल दिख रहा है यहाँ पे। तो कोई नहीं, फिर इसको टाइट कर देते हैं
और अब फिर इसको दबाएंगे 3-4 बार। और अब देख रहे होंगे ऑयल कम हो गया है और ब्रेकअप उतना पीछे नहीं जा रहा जितना जा रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल ब्लीड के पास पहुंच चुका है। कायदे से हम ऊपर कैप लगा के भी कर सकते हैं, मगर अगर प्यार प्यार से करेंगे तो भी हो जाएगा। अब फिर एक बार खोलते हैं, देखते हैं कितने बबल आते हैं। बिल्कुल भी बबल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मगर बबल बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ और वापस ऊपर इसमें ऑयल फिल कर रहा हूँ। कम हो गया क्योंकि निकला था इसी में आया, इसी वजह से नीचे मैं कंटेनर में ही फ्रेश ऑयल डाल देता हूँ, क्योंकि ऐसे वेस्ट करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से एक पाइप हो अगर तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, ये ऑयल फिर यूज़ हो सकता है। बंद था, अब वही प्यार प्यार से फिर से दबाएंगे। और बस यहीं तक जा रहा है पूरा प्रेशर लगाने के बाद भी। अब एक बार फिर खोल के देखते हैं, खोल के भी मैं ऊपर हाथ से प्रेशर से दबा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि लाइन बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये लीवर मैं दबा रहा हूँ हल्का हल्का, क्योंकि खोल रखा है तो पूरा पीछे तक जाएगा। ऑयल जा रहा है, नीचे से बबल नहीं आ रहे हैं, बस दबा के रखा हुआ है। अब इसको पूरा मैं बंद कर देता हूँ और हमारा ब्रेक लाइन पूरी ये बंद हो गया टाइट पूरा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से बड़े प्यार से मैं पाइप निकालूंगा, ताकि इसमें जो बचा हुआ पाइप में ऑयल है इसी में जाए, वेस्ट ना हो। चलिए कर लेते हो, दोनों हाथ चाहिए होंगे। तो ये ऑयल निकाल लिया है, कंटेनर में इतना बच गया है, पाइप खाली कर ली थी इसी में, ऊपर लेवल कम हो गया, ऊपर सब टॉप अप कर देंगे इसको। इतना लेवल बहुत है, अब इसके ऊपर कैप आ जाएगी, साफ सूफ करके कैप बंद कर देंगे। और लकीली ये यामहा के ही पेच थे, ये नए पेच मिल गए मेरे को जो कैप के होते हैं थैंकफुली, तो पुराने वाला तो बहुत ही ज़्यादा घिसे हुए थे, खोलने में भी दिक्कत हुई थी। अब देख रहे हैं पूरा जंग लगा हुआ है एक, और ये दूसरा भी पूरा गायब ही है। तो मैं ये नए वाले पेच डाल के बंद कर देता हूँ कैप। तो बस ऊपर वो पेच लगा के कैप बंद कर दिया है। रबड़ भी मेरे को मिल गई थी अंदर जो कैप में लगती है ये वाली, मगर ये भी यामाहा की थी, ये अलग साइज़ की थी, चलाने के तो चल जाती मगर वो ठीक ही थी। ये चेंज करनी होती है अगर ज़्यादा कटी हुई हो, क्योंकि अगर यहाँ से ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो अंदर पानी चला जाएगा और फिर ख़राब हो जाता है मामला। मगर अब ब्रेक ठीक हो गए हैं और ये इसका ही था बस। अब कल इसको थोड़ा सर्विस करेंगे जैसे नॉर्मल होता है, बस आज का तो ब्रेक ही था कि पहले ब्रेक तो ठीक हो। चलिए जी, थैंक यू।